एफबीआर ने 5 बड़े शहरों में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। रिटेलर्स पर टैक्स लगाने से 100 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्के है। टैक्स नफाज की स्कीम भी तैयार कर ली गई है। मजीद बात करेंगे, यासर नजर हमारे साथ मौजूद हैं। यासर नजर, बताइएगा इस टैक्स के बारे में। जी बिल्कुल, टैक्स नेटवर्क में इजाफे के लिए जो मुल्क भर के 35 लाख रिटेलर्स पर एफबीआर ने टैक्स लगाने की जो स्कीम है वो तैयार की है और मजमूई तकरीबन जो है 300 अरब से ज्यादा आमदन इस रिटेलर टैक्स से मुतवक्के है। तो एफबीआर ने पहले मरहले में किया ये है कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में जो रिटेलर्स हैं इन पे टैक्स लगाने का फैसला किया गया है और इन 5 शहरों में रिटेलर्स पर जो मजमूई तौर पे टैक्स लगेगा 100 अरब रुपए का रेवेन्यू जो है वो मुतवक्के है, जबकि मजमूई तौर पे 35 लाख रिटेलर्स पे जब लगेगा तो 300 अरब रुपए से जायद का जो रेवेन्यू है वो मुतवक्के है। और इसमें जो स्कीम है ये एफबीआर हुकाम की तरफ से बताया गया है कि मुकम्मल तैयार है, हुकूमत की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार है और रिटेलर्स की सालाना आमदन पर तकरीबन जो है वो 10% से जायद तक एडवांस टैक्स आयद किया जाएगा और स्कीम के तहत तमाम शोबों से मुंसलिक जो है कारोबारी अफराद पर टैक्स जो है और जो दीगर अफराद हैं उन पर टैक्स आयद होगा। तो ये हुकूमत की तरफ से बाकायदा मंजूरी के साथ ही इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। तो एफबीआर ने ये स्कीम मुकम्मल तौर पर तैयार कर ली है और टैक्स नेटवर्क में रिटेलर्स को लाने का फैसला किया गया है। यासर नजर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।